गुड मॉर्निंग कोविड पेंडेमिक जरा है अभी सेकंड इस तरह के प्रकार के लोग बहुत ज्यादा क्वेरी क्योंकि अर्ली दवाइयां स्टार्ट कर सकते हैं। जो जल्दी दवाइयां स्टार्ट कर लेंगे तो कोरोना के वधन के या सीवियर होने के चांसेस घट जाएंगे। सो द मेन थिंग इज अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ द कोरोना सिम्टम्स एंड अर्ली इंस्टीट्यूशन ऑफ द मेडिसिन। फिर हम मेडिसिन का भी बड़ा प्रॉब्लम है, रेमडेसिविर, स्टीरॉइड कदों स्टार्ट करनी है, कदों नहीं देनी, कहरा टेस्ट कराना है, पीसीआर नैगेटिव आ रहा, फिर भी लोग कोरोना लोग कही जाते हैं तो सब कोरोना इलाज चल रहा है। ये सारे के सारे जो थोड़े दिमाग के क्वेश्चन आते हैं इसको सोल्व करने लिए अस ये लेक्चर रखे हैं। तो अगेन गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज का अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्या, the commonly committed mistakes in COVID-19 illness and the vaccine related queries. So aaj apna topic of discussion hai commonly committed mistakes in COVID illness and the vaccine related queries hai, usko usse aaj discuss karana hai. So तो पहला है कि जरा COVID-19 है, इट्स बेसिकली कोरोना वायरस है। ये कोरोना वायरस पहले भी साढ़े वर्ल्ड में आ चुका है, पहले भी सानू इन्होंने 2002 जिन बोलते थे इन्हें रेस्पिरेटरी सिंड्रोम किया, फिर 2012 इन्हें मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी इलनेस स्टार्ट की थी। हूँ ये नोवल अगेन नोवल म्यूटेंट कोरोना वायरस है COVID-19। नाम COVID-19 इसलिए पे है क्योंकि ये 2019 पहली बार लगाया गया था। तो ये पिछले कोरोना वायरस ना 70-80% मिलता जुलता कोरोना वायरस ही है, पर थोड़ा जहा चेंज आ गया है। ईवन पहले भी कोरोना वायरस साढ़े मतलब एटमोसफेयर है और सानू जिवें इनफ्लूंजा वायरस, एडीनो वायरस सानू जुकाम जुकूम करते हैं। कोरोना वायरस जो पुराने वो भी सानू जुकाम जुकूम करते रहे हैं, बट इस नोवल कोरोना वायरस नोवल मतलब कल कभी अज तक पाया नहीं गया। तो अभी जी मिसटेक्स है डिस्कस करा कि मिसटेक्स लोग आम लोग या जनरल प्रैक्टिशनर करते पे है और जिन्होंने अभी रोक सकते हैं। तो अपना मेन मकसद है कि किसी तरह ना बीमारी में जल्दी लभ्या जा सके और जल्दी इलाज स्टार्ट किया जा सके ताकि बीमारी माइल्ड तो सवेयर ना हो सके और अल्टीमेटली मोर्टैलिटी घटाया जा सके। तो पहली जी मिसटेक है डिनायल मोड। मैं काफ़ी लोगों को मिले हैं, स्पैशली रूरल पॉपुलेशन को मिले हैं, पिंडा के कई लोगों को मिले हैं जिन्हें हले भी नहीं मानते कोरोना है। वो कहते यह जी तो कोई बीमारी है नहीं, वो बिल्कुल गलत धारणा है, कोरोना बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। दूजा है मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जे जे मैं मिले है वो कहते जी कोरोना होया, एक दो दिन बुखार रहा, जुकाम रहा, सरकार ने 14 दिन लिए कमरे ढा दिता या अपने घर में आइसोलेट कर दिता, अपने आप ही ठीक दिता, एक दो दवाइया दे दी ठीक हो गया, ये तो कोई वड्डी कोई चीज़ ही नहीं। ठीक है, देखो ये चंगी गल है कि तुम घर बैठे अपने आप एक दो गोलियां ठीक हो गए, ये 80% लोगों ने इंज ही होना है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो है दे आर एसिम्टोमैटिक और माइल्डली एसिम्टोमैटिक। माइल्ड मतलब जिन्होंने सिंपल जुकाम होएगा या गला खराब हो जाएगा, थोड़ी सी खंघ हो जाएगी बस, तो एक अच्छी गल हैगी है। बट 10 to 15% पेशेंट्स जो होंगे उन्होंने सवेयर नमोनिया होएगा,
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾਈਲਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਟੇਕ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਰਾਊਂਡ 30% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੋਈ ਸਿਮਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਰਾਊਂਡ 50% ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਾਈਲਡ ਇਹ ਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਂਸੀ ਆਏਗੀ, ਉਸਦਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਹ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਬਟ ਮੋਡਰੇਟ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਨੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਮੋਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ, ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ 94% ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਮੋਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ 5% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨਮੋਨੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਪਸਿਸ, ਸੈਪਟਿਕ ਸ਼ੋਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬੇਨਿਫਿਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲਗਭਗ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮਾਇਲ ਸਿਮਟਮਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਉਹ 20% ਲੋਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, 20% ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਟੂ ਸਵੇਰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਿਕ ਲੀਵਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਿਕ ਕੋਈ ਲੰਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮੀਨੋਸੁਪਰੈਸਿਵ ਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ, UK ਵੇਰੀਐਂਟ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਕਰੋਨਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਅਰਾਊਂਡ 2 to 14 ਡੇਜ਼। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 to 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟਮਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 80% ਲੋਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਅਰ ਨਮੋਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਖਤੀ ਸ਼ੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਕੋਰਸ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਰਾਊਂਡ 2 to 3% ਲੋਕ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ। ਸੋ ਮਿਸਟੇਕ 2। ਸੋ ਦੂਜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਦੂਜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਕਾਂਡ ਵੀ ਕਰੋਨਾ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਇਟ ਦੇਅਰ ਰੋਂਗ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਰੋਂਗ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਗ੍ਰੇਡ ਫੀਵਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 99, 100, 104 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨਲ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ, ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਖਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਲੋ ਗ੍ਰੇਡ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 3rd to 5th day ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਬੁਖਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮੋਨੀਆ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੋਰਮਲ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਬਾਅਦ 5th day ਜੋ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਆਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਫੇਸਿਕ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, 2-3 ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, 3-4 ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਔਰ 2nd week 'ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਫੀਵਰ ਨਾਲ ਆਏ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਲੋ ਗ੍ਰੇਡ ਫੀਵਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, 8th-9th day ਫਿਰ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਫੀਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਾਇਆ ਨਮੋਨੀਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਫੇਸਿਕ ਫੀਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਗ੍ਰੇਡ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮਿਸਟੇਕ 3, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਇਲਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਇਲਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਰੂਲ ਆਫ ਥੰਬ ਇਨ ਪੈਂਡੈਮਿਕ। ਉਹ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ,
ਕੋਵਿਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੋਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਲਾਈਡ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਮਨ ਫਲੂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਲਨੈਸ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਟ ਦੇਰ ਆਰ ਸਰਟਨ ਸੌਫਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਐਬਸੋਲੂਟ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਕੋਮਨ ਫਲੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਨਫਲੂਐਂਜਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ, ਡਿਨੋ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ, ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਮਨ ਕੋਲਡ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਨਫਲੂਐਂਜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੜਾ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਲੋਅ ਗ੍ਰੇਡ ਫੀਵਰ ਹੋਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੋਮਨ ਕੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫਲੂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਰਨਿੰਗ ਨੋਜ਼ ਸਿੰਪਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਜੁਗਾਮ ਛਿੱਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕੋਮਨ ਕੋਲਡ ਵਿੱਚ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਆ ਜਾਣ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਖਾਂਸੀ, ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਕੋਮਨ ਫਲੂ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਨ ਲੋਸ ਆਫ ਟੇਸਟ ਐਂਡ ਸਮੈਲ, 20% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਸ ਆਫ ਟੇਸਟ ਐਂਡ ਸਮੈਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਮਨ ਕੋਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਸ ਆਫ ਟੇਸਟ ਐਂਡ ਸਮੈਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, less than 1%। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਸ ਆਫ ਟੇਸਟ ਐਂਡ ਸਮੈਲ ਹੈ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ PCR ਦਿੰਦੀ ਹੈ, RT-PCR ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੈਲ ਲੋਸ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਨੇ ਚਾਂਸ ਉਹਦੇ ਕੋਵਿਡ ਹੋਣ ਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ PCR ਦੇ ਚਾਂਸ 70%। ਸੋ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਮਨ ਕੋਲਡ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਛਿੱਕਾ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜੁਕਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਏ। ਬਟ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਪਲ ਬੁਖਾਰ ਆਏਗਾ ਲੋ ਗ੍ਰੇਡ, ਜੁਗਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੁਕਾਮ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਖਾਂਸੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 4-7-8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ, ਕੋਮਨ ਕੋਲਡ ਦਾ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, 2-4 ਡੇਜ਼, ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, 4-14 ਦਿਨ। ਫਾਈਨਲੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਮਨ ਕੋਲਡ ਮੋਸਟਲੀ ਵਾਇਰਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ CRP ਨੋਰਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟ ਕੌਣ ਸੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ CRP ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟ ਕੌਣ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਸਤੇ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੋਮਨ ਕੋਲਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਓਵਰਆਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਲਾਈਡਸ ਨੂੰ, ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸਲਾਈਡ, ਜੇ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝੋਗੇ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਬਿਟਵੀਨ ਬੋਥ। ਸੋ ਚੌਥੀ ਮਿਸਟੇਕ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੰਗ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਟੇਸਟ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸਮੈਲ ਚਲੇ ਗਈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਕਰੋਨਾ। ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਡਨ ਔਨਸੈਟ ਲੋਸ ਐਂਡ ਸਮੈਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰੋਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਦੈਨ ਪੰਜਵੀਂ ਮਿਸਟੇਕ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨਾਲ, ਇਹ ਟਿਪੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ, ਓਲਡ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਲਡ ਏਜ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੈਲੇਟਿਵਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਓਲਡਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਏ ਟਿਪੀਕਲ, ਇਨ ਓਲਡਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦ ਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਏ ਟਿਪੀਕਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਏ ਟਿਪੀਕਲ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਖਾਂਸੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਲਡਰ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕੋਵਿਡ ਇਲਨੈਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਓਲਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਏ ਟਿਪੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਦੈਨ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟ ਆਰ ਟਿਪੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮਸ, ਵਟ ਆਰ ਏ ਟਿਪੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮਸ। ਟਿਪੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਟਿਪੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਮਾਲ ਬੋਲ ਡਾਇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਲਡ ਏਜ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਬਿਓਸ਼ੀ ਜਾਂ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਟੋਕ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਜੈਕਟਿਵਾਈਟਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਓਲਡ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸਿੱਧਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੈਨ ਫਾਈਨਲੀ ਸਮ ਰੈਸ਼, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਟਿਪੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਐਜ ਵੈਲ ਐਜ ਏ ਟਿਪੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਕੋਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ, ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ,
तो नैक्सट मिस्टेक हूँ कोरोना का स्टिग्मा बड़ा अटैच है। यह पहले अटैच से अजकल अटैच नहीं है, पहले जो पहली वेव से लोग दसते नहीं थे कि सू कोरोना है, उन्होंने डर लगता है कोई चाके ना पुलिस वाले ना लै जाए कोई गवर्नमेंट ना लै जाए, जबकि यह जी गल नहीं, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव रही है। तो एक 70 साल के मेल है, मैं मिले इन खांसी सी इनू जुकाम सडन होस्टल लॉस ऑफ स्मैल एंड टेस्ट। सो मैं उन्होंने कहा उन्होंने आप ही पता सी वेरी एजुकेटेड परसन, कहते मैं पता है करोना है बट मैं टैसटिंग नहीं करानी क्योंकि मैं अलग कर देंगे लोग मैं इस नज़र देखेंगे। सो ये तो बड़ी वही मिसटेक है, इन्हों का कोई स्टिग्मा अटैच होना ही नहीं चाहिए। ये कहने कोई नशा करके बीमारी आती है जो गलत काम करके बीमारी आती है, ये तो बीमारी दो चीजें स्प्रैड होंगी है, या तो डायरैक्टली स्प्रैड हो सकती है या इनडायरैक्टली। डायरैक्टली मतलब तुम किसी ऐसे पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आ रहे जिन्होंने करोना सगा और रेस्पिरेटरी ड्रोपलेट्स तुहाडे किसी म्यूकोकुटेनियस एरिया में चले गए, मतलब उन्हें खांसी की उन्होंने छिक आई और ड्रोपलेट्स निकले और ड्रोपलेट्स में वायरस सगा वो वायरस तुहाडे अंदर शरीर में चला गया, या इनडायरैक्टली कि तुम ये कुछ होमाइट्स जिन्होंने बोलते हैं तुम ये किसी सर्फेस में जो कॉमन सर्फेस है उसके हाथ रख लिया जरा सर्फेस ऑलरेडी कॉन्टामिनेटेड सगा वो किसी पेशेंट के सिक्रीशन के नाम वो हाथ तुम बाद अपने मुँह से ला लिया फैल गया। तो दो तरीके ने यह फैलता है, या डायरैक्टली फैलेगा या इनडायरैक्टली थ्रू सर्फेस कॉन्टामिनेट। तो हूँ यह देखो ये ओल्ड एज पॉपुलेशन है 70 साल की, हूँ यह जे पेशेंट को तो बिल्कुल टेस्ट कराना चाहिए ताकि दवाइया जल्दी स्टार्ट करा करी जा सके, क्योंकि जो डिले करेगा हो सकता कल मेरा जो माइल्ड करोना है सवेयर करोना भी फैल जाए। हाँ हालांकि जो लोगों को लॉस ऑफ स्मैल और टेस्ट होता मोस्टली उन्होंने माइल्ड करोना ही होता सवेयर करोना नहीं होता। फिर नेक्स्ट मिस्टेक हैगी है सम पार्टिसिपेंट रेस तो मिस्टेक 7 जो है वो है कि मेरा आरटीपीसीआर नैगेटिव है सो आई डू नॉट हैव एनी करोना। जिवें पेशेंट आए पेशेंट ने कहा मैं मेरे खांसी है नाल मैं गला खराब है और मेरा लॉस ऑफ स्मैल टेस्ट भी चले गया इसलिए मैं करोना टेस्ट करा लिया सीगा पर मेरा करोना टेस्ट नैगेटिव आ गया। सो सर ये तो करोना हो नहीं सकता। नो ये भी बहुत बड़ी गलती है, इट इज स्टिल करोना इन्फेक्शन, इट इज एक्चुअली कॉल्ड कोविड लाइक इलनेस। वो क्यों? क्योंकि कोविड पीसीआर के टेस्ट की सेंसिटिविटी है 100% नहीं है और सेंसिटिविटी 70% है। 70% का मतलब जे असी ये टेस्ट 100 कोविड पेशेंट्स दे विच करांगे तो 100 दे विचों सिर्फ 70% पेशेंट्स दा टेस्ट पॉजिटिव आएगा, 30% पेशेंट इहो जिहे होणगे जिन्हां नूं करोना होएगा पर टेस्ट उहनां दा नैगेटिव होएगा। तो तुसीं जे पुछोगे कि सर इंज क्यों हो रहा है, हुण इह बड़ा रौला पिया होया कि इंज करोना वार्ड विच पाया होया टेस्ट नैगेटिव है, ये इंज होंदा बिकॉज जिहड़ा पीसीआर टेस्ट है ये डिपेंड करता बहुत चीज़ां ते। जे तुसीं पीसीआर टेस्ट पहले हफ्ते कराओगे तो सेंसिटिविटी ज़्यादा है, जे सैकेंड वीक ऑफ इलनेस से कराओगे तो सेंसिटिविटी घट है। दूजा तुम कि सिक्रीशन लिती हैं नेजोफ्रेंजल सिक्रीशन लिती हैं और सेंसिटिविटी ज़्यादा है, जे ओरोफ्रेंजल लिती हैं और घट है, जे तुम ब्रोंकल एस्परेट लिता और सब तो ज़्यादा है। तीजा जिन्हें सैंपल लिता चंगी तरह सैंपल कलैक्ट किया या नहीं किया, उन्होंने अगर चंगी तरह ट्रांसपोर्ट किया या नहीं किया, तो जिन्हें अगर टेस्ट कराया है उन्हें चंगी तरह टेस्ट किया या नहीं किया टेस्ट। फिर अजक पीसीआर भी तुम्हें पता है बड़े तरह के जीन चैक करते हैं। हूँ ए मैं एक लाइन होर जोड़ना चाहवागा क्योंकि नवे स्टेन भी आ रहे हैं, जरा यूके का स्टेन है वो कई बार पीसीआर टेस्ट नहीं आ रहा। सो हमेशा जरा पीसीआर टेस्ट कराना है तुम उस लैब तो कराना है जेडे लैब डिफरेंट तरह के एंटीजनस या जीनस में चैक करते हो, डिफरेंट तरह के जीनस में चैक करते हो। तो कि जीन चैक करते हो, एक तो ओ आर बी, दूजा N1 या N2, तीजा S, चौथा RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। सो इन्हों सब तो जरा है जो जीन सॉरी जीन इंपोर्टेंट है वह ओ आर बी N1। तो ओ आर बी तो N1 हेले भी पॉजिटिव आ रहा स्टेन का, हो सकता यूके का स्टेन PCR कराया हो और सिर्फ उन्होंने एस जीन चैक किया हो और जीन नैगेटिव आ जाए। तो हमेशा उस जगह टेस्ट कराओ जे जरा PCR वाले ओ आर बी R1 ये दो चैक करते पे, घट तो घट ये दो चैक करते पे क्योंकि ये म्यूटेंट्स में भी पॉजिटिव आ, इट इज अ कंजरवेटिव रीजन। तो नैक्सट 8वीं मिस्टेक की है कि पेशेंट बुखार सीगा गला खराब सीगा उन्होंने करोना एंटीबॉडी टेस्ट करवा लिया। हूँ दसो करोना एंटीबॉडी टेस्ट का की मतलब है बुखार का सोर थ्रोट में। सो जे तुहानू बुखार है गला खराब है या होर कोई करोना के लक्षण हैगे है तो तुसी जरा टेस्ट कराना है, टेस्ट ऑफ चॉइसिस आरटीपीसीआर।
या रैपिड एंटीजन टेस्ट, ना कि एंटीबॉडीज, क्योंकि एंटीबॉडीज तो जाके 10 दिन तो बाद जाके बनती है IgM एंटीबॉडीज, और IgG एंटीबॉडीज जाके 15 to 20 दिन बाद बनती है। तो एंटीबॉडीज का डायग्नोसिस में कोई रोल नहीं है, एंटीबॉडीज का बस यही मतलब है कि तुम्हें कोरोना पिछे होया है। तो जे तुम कोरोना के लक्षण है तो जरा टेस्ट कराना है, और दो टेस्ट होंगे उनका RT-PCR या RAT एंटीजन, नोट एंटीबॉडी टेस्ट, तो डोंट गो फॉर एंटीबॉडी टेस्ट। तो ये बहुत कॉमन है, सर मैनू बुखार है, मैनू गला खराब है एंड मैनू खांसी है, मुझे बुखार है। देयर आर सम व्यूअर्स हु वांट मी टू स्पीक इन हिंदी आल्सो, सो आई हैव टू मिक्स माय लैंग्वेज। सो कई लोग बोलते हैं कि जैसे हमें बुखार है, हमें गला खराब है, हमें खांसी आ रही है, तो मैंने उन लोगों को बोला कि ठीक है आप टेस्ट करवा लीजिए, या खुद ही टेस्ट करवा के आए तो अपना टाइफाइड का मुझे दिखाते हैं कि देखिए मेरा टाइफाइड का टेस्ट पॉजिटिव है। तो वो कहते हैं क्योंकि ये टाइफाइड का टेस्ट पॉजिटिव है सो ये इसलिए कोरोना नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा गलत चीज चल रही है जो आज की डेट में हम देख रहे हैं। अगर आपको कोरोना के जैसे सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, तो कुछ स्टेट में IgM टाइफाइड का कोई रोल नहीं है। जो IgM टाइफाइड टेस्ट होता है, जो वो टेस्ट है वो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, वो तो डेंगू के पेशेंट में पॉजिटिव आ जाता है। तो आपने सारी की सारी क्लिनिकल पिक्चर देखनी है। तो आज की डेट में IgM टाइफाइड से ये नहीं लेके चलो कि आपका टाइफाइड पॉजिटिव है। आज की डेट में अगर आपको IgM टाइफाइड है, टाइफाइड आपको तभी मानेंगे जब आपका ब्लड कल्चर वो टाइफाइड पॉजिटिव आए। वैसे भी टाइफाइड में कभी भी लो ग्रेड बुखार नहीं होता, टाइफाइड का जो बुखार होता है वो हाई ग्रेड बुखार होता है, ज्यादा बुखार होता है और परसिस्टेंट चलता है। जो कि कोरोना का बुखार तो लो ग्रेड बुखार होता है, थोड़ा सा रहता है 99-100 के बीच में पहले कुछ दिनों में, वो टाइफाइड में सोलो थ्रोट कफ सिम्टम ऐसे नहीं आते। तो आपको सारे के सारे क्लिनिकल पिक्चर आपको देखनी पड़ेगी। तो अकेला ये रिपोर्ट लेके मत जाओ कि IgM टाइफाइड है। मैंने बोला IgM टाइफाइड नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। तो अगर आपको आज की डेट में बुखार है, लो ग्रेड है, खांसी है, जुकाम है, गला खराब है, तो ये कोरोना ही है, टाइफाइड नहीं है। अगर आप टाइफाइड सोचते हो टाइफाइड है तो ब्लड कल्चर कराओ और उसको पॉजिटिव प्रूव करो। तो ये एक और मिस्टेक। तो अगली मिस्टेक क्या है? अब ये मिस्टेक मैं रोज अपने हमारे ग्रुप में और हमारे फ्रेंड्स हैं वो मुझे भेजते हैं। वो क्या कर रहे हैं कि सर हमें बुखार हुआ था, हमें गला खराब हुआ था, हमारे खांसी हुई थी, हम अपने लोकल डॉक्टर के पास गए और उन्होंने हमारे ये रूटीन टेस्ट करवा लिया, CBC करवा लिया, RFP करवा लिया, IgM टेस्ट करवा लिया, COVID-19 PCR करवा। तो मैं उनको सबको यही बोलता हूँ कि आज की डेट में अगर आपको कोरोना जैसे लक्षण है तो जो आपके टेस्ट जो मैटर करते हैं वो मैटर करते हैं CBC, RFT, LFT और CRP, ESR, सीरम पेरिटिन, LDH, D-dimer लेवल। तो सबके सब पेशेंट्स ये सुन लीजिए कि पहले दिन बेसलाइन में ये सबके सब टेस्ट करवाने ही करवाने। कई लोग तो सिर्फ COVID-PCR की रिपोर्ट लेके आ जाते हैं और कहते हैं मैं दवाई लिख दो। COVID-PCR की रिपोर्ट का मतलब यही है कि आपको कोरोना है या नहीं है, आपको किस डिग्री का कोरोना है, आपका कोरोना माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, और आपका कोरोना बिगड़ने वाला है या आप सीवियर वैरायटी में जाने वाले हो, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा CRP लेवल से, सीरम फेरिटिन लेवल से और D-dimer लेवल से। तो हमेशा जब भी आज की डेट में आपको बुखार है तो CRP D-dimer को कम से कम जरूर करवाएं। और क्योंकि CRP D-dimer ही आपको प्रोग्नोस्टिकेट करेंगे और बताएंगे आपको माइल्ड कोरोना है, मॉडरेट कोरोना है और सीवियर कोरोना, और उस हिसाब से आपका इलाज स्टार्ट। और दूसरी बात है कि ये सिर्फ एक बार ही नहीं टेस्ट करवाने सारे के सारे, ये सारे के सारे टेस्ट जो है आपको पहले दिन करवाने हैं, तीसरे दिन करवाने हैं, पांचवें दिन करवाने हैं, सातवें दिन करवाने हैं, दसवें दिन करवाने हैं, चौदहवें दिन करवाने हैं। हाँ, आइडली तो हर मरीज को हर बार सारे के सारे टेस्ट कराने चाहिए, पर कई क्योंकि टेस्ट बहुत महंगे होते हैं ये, तो मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि पहले दिन तो सारे ही टेस्ट करवाएं और उसके बाद अगर आपने करवाने हैं तो सिर्फ CBC, CRP और D-dimer करवा लें अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है। तो ये तीन टेस्ट को करवाने ही करवाने हैं, तीसरे दिन, पांचवें दिन, सातवें दिन, दसवें दिन, चौदहवें दिन, ये नोट कर लीजिए, ये टेस्ट करवाने ही करवाने हैं। अकेला COVID-PCR की रिपोर्ट लेके मत डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको कुछ नहीं कर पाएगा।
उनके साथ ये रिपोर्ट लेनी जरूरी है। अब अगली मिस्टेक क्या है, अगली मिस्टेक ये है कि हमारा एक्सेल जस्ट नॉर्मल। अब ये एक 62 ईयर ओल्ड मेल है, ये डायबिटीज शुगर, इनको शुगर भी है और स्टीरॉइड्स भी खाते हैं किसी कारण से। वो मेरे पास आए, वो कहते हैं मुझे बुखार है, खांसी है 7 दिनों के, 7 दिन से, और खांसी के साथ मुझे सांस भी चढ़ रहा है। मैंने उनको बोला और आपको सीटी स्कैन कराना चाहिए, वो कहते ये लो हमारा तो एक्सरे करवा के आए हम तो, और एक्सरे तो नॉर्मल है, तो अगर एक्सरे नॉर्मल है तो हमारा निमोनिया तो हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल ही गलत सोच है, एक्सरे की सेंसिटिविटी बहुत कम होती है। तो अगर आपका पेशेंट है जिसको कोरोना जैसे लक्षण है और जिसका बाद में सांस फूलना स्टार्ट हो गया है, आंधी मुस्कुरानी स्टार्ट हो गई है, तो उस पेशेंट को सीटी स्कैन करवाएं, क्योंकि सीटी स्कैन की सेंसिटिविटी एक्सरे से बहुत ज्यादा है। इतने बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जिनके एक्सरे नॉर्मल है पर सीटी स्कैन में बीमारी आई। दूसरी बात, कई लोग कहते हैं कि सर हमें आप कह रहे हैं इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन में तो TLC बढ़ते हैं और आप कह रहे हैं इन्फेक्शन है। सर कोरोना एक ऐसी इन्फेक्शन है जिसमें TLC एक्चुअली कम होते हैं और स्पेशल लिम्फोसाइट्स तो कम पहले दिन से स्टार्ट हो जाते हैं, और जितने ज्यादा लिम्फोसाइट्स कम होने शुरू हो जाएंगे उतना ही पूरा प्रोग्नोसिस होता है। तो दो चीजों का ध्यान रखें कि कोरोना के पेशेंट में छाती का एक्सरे नॉर्मल हो सकता है, तो उस पर ज्यादा रिलाई मत करिए। अगर आपको सांस की दिक्कत है, आपकी ऑक्सीजन फॉल कर रही है, तो सीटी स्कैन करवाएं। दूसरी बात है, इसमें ये मत सोचे क्योंकि मेरा WBC काउंट TLC बढ़ नहीं रहा है इसका मतलब मुझे इन्फेक्शन नहीं है। इसमें WBC काउंट जो कोरोना में है वो एक्चुअली नॉर्मल रहता है या कम हो जाता है। तो अगली मिस्टेक ये है, एक अगेन वही पेशेंट 62 ईयर ओल्ड मेल है, शुगर के मरीज हैं, उनको बुखार है, खांसी है। वो 8वें दिन मेरे पास आए और कहते हैं मुझे सांस की मुश्किल आ रही है, तो मैंने उसका सीटी स्कैन करवाया और बोला COVID PCR करवाओ। तो सीटी स्कैन तो मैं तो आ गया कि ये वायरल निमोनिया, सीटी तो ये बताएगा ना आपका वायरल निमोनिया है या नहीं, कोविड इज अ वायरस, पर उनको उनका PCR नेगेटिव है। वो कहते सर मेरा तो COVID PCR नेगेटिव है, मुझे तो कोरोना है ही नहीं, मुझे तो या तो कोई और वायरस है या और कोई बीमारी है, आप मेरा सही इलाज नहीं कर। तो यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं, इट इज स्टिल ए कोरोना इन्फेक्शन, वो मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि कोरोना PCR की सेंसिटिविटी सिर्फ 70% है। इसका मतलब वो 30% पेशेंट्स को मिस कर देगा पहले वीक में, और ये पेशेंट तो सेकंड वीक में आया, 8वें दिन आया, इस यहां तो उसकी सेंसिटिविटी कम होकर 50% रह जाती है। सो टू डायग्नोस कोरोना हमें वी हैव टू सी द होल पिक्चर, पेशेंट को कोरोना के लक्षण है या नहीं है, पेशेंट को सीटी स्कैन में कोरोना जैसी फाइंडिंग है या नहीं है, पेशेंट को कोरोना PCR पॉजिटिव है या नहीं है, या CRP कैसा है। तो यू हैव टू सी द होल पिक्चर। तो जस्ट बिकॉज कोई कोरोना PCR नेगेटिव का, ये मत सोचिए कि आपका कोरोना नहीं है। सो अब हम ये जो स्लाइड्स में अगली जो तीन बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो पीक जो हो मई में हमारे पास बेड्स की शॉर्टेज हो जाए, या कई बार पैसे की प्रॉब्लम के कारण, या कई बार और बड़ी दिक्कत के कारण पेशेंट चाहते हैं कि घर में इलाज करवाएं। तो जो पेशेंट घर में इलाज करवाना चाहता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बढ़ जाती है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके केयर टेकर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन दोनों को पूरा पता होना चाहिए कि हम कब कब बीमार ज्यादा हो सकते हैं, कब हमें हॉस्पिटलाइज करना ही करना है। सो इसलिए अगली 2-3 स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में किसी को कोरोना है और आप उसको घर में ही इलाज कर रहे हैं, या आप नहीं चाहते हैं हॉस्पिटल में दाखिल करवाना किसी भी कारण से, तो अगली 3 स्लाइड आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपने उस पेशेंट को कैसे फॉलो करना है, कैसे रखना है। पहला देखिए कि आपका पेशेंट हाई रिस्क ग्रुप में है या नहीं है। हाई रिस्क ग्रुप मतलब उम्र ज्यादा, शुगर के मरीज, पुरानी किडनी के मरीज, लीवर के मरीज, क्योंकि ये वो मरीज हैं जिनके ज्यादा चांसेस है खराब होने। तो पहला ये चीज है। सेकंड, हमेशा कोरोना में बहुत जरूरी है टू नो योर डे ऑफ इलनेस, कि आपकी बीमारी का कौन सा दिन है। तो उसमें लोग क्या गलती करते हैं, लोग कहते हैं कि सर मुझे मेरा टेस्ट आज पॉजिटिव आ गया है, तो इसका मतलब मेरा आज का डे 1 आ गया। नो, डे 1 इज नॉट द डे व्हेन योर टेस्ट इज पॉजिटिव, डे 1 इज द डे व्हेन यू नोटिस एनी सिम्टम्स। जब आपको कोई भी लक्षण आता है, बुखार, गला खराब, खांसी या कोई भी अबनॉर्मल फीलिंग, वो आपका डे 1 है, ना कि डे 1 वो है जिस दिन आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया। कोरोना की ट्रीटमेंट में डेज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हम आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा अगली स्लाइड। तो जब आपको पता चले कि आपको कोरोना जैसे लक्षण है,
सो उस टाइम पे सारे के सारे टेस्ट बेस टाइम पे करवाने ही करवाने हैं, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। और अगर आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है तो यू स्टार्ट ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में आप क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट में बड़े लोग कंफ्यूज है क्या करें ट्रीटमेंट। देखो अगर आपने एंटीवायरल देना है, जैसे फेविपिराविर होता है, महंगा दवाई है, मुंह से देते हैं महंगी दवाई है, बड़ी ज्यादा गोलियां खानी पड़ती हैं। अगर आपने देनी है एंटीवायरल फेविपिराविर, तो आप पहले हफ्ते में देने का फायदा है, उसके बाद नहीं फायदा है। पहले कुछ दिन में दीजिए, जब वायरस वायरिमिया होता है, जब वायरस शरीर में फैलता है, तभी इसको देने का फायदा है, अदरवाइज फायदा नहीं है। हाँ इतना मैं जरूर बताना चाहूंगा कि फेविपिराविर कोई बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है, कोई गाइडलाइंस हमारी कोई ये रिकमेंड नहीं करती। हाँ कुछ ट्रायल्स में इसका फायदा पहुंचा है। ये जैपनीज ड्रग है, जो मॉडिफाई की गई ड्रग है, पहले ये इन्फ्लुएंजा के लिए यूज करते थे, अब इन्होंने कोरोना के लिए यूज किया है। इससे ये पाया गया कि आपके रिकवरी के जो है रिकवरी पीरियड जल्दी हो जाता है। बट अगेन कोई 100% कंक्लूजन नहीं है। WHO, कोई CDC अमेरिकन, कोई यूरोपियन गाइडलाइंस, इवन ICMR गाइडलाइंस, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आपको फेविपिराविर देनी ही देनी है। बट अगर आपके डॉक्टर आपको दे रहे हैं तो आप, और आप लेना चाहते हो, तो पहले कुछ दिनों में लीजिए, तभी स्टार्ट कीजिए। दूसरे हफ्ते में स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन हम इसमें देते हैं, वो भी देनी है तो अभी दीजिए, एज ए एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट, एज ए एंटीबायोटिक एंड एंटी वायरल एजेंट। आइवरमेक्टिन, आइवरमेक्टिन गोली एज ए एंटी वायरल, उसको प्रूव किया गया है, बट नोट अगेन इन ऑल स्टडीज। अगर देनी है तो ये भी पहले हफ्ते देने का फायदा है, सेकेंड हफ्ते में इन चीजों का कोई फायदा नहीं है। सो ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद आपने सारे टेस्ट तीसरे और पांचवें दिन फिर रिपीट करने हैं। CBC करना है, CRP करना है, डी डाइमर। वो लोग जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, कम से कम ये तीन टेस्ट करवाएं, CBC, CRP, डी डाइमर, तीसरे और पांचवें दिन। और तीसरे और पांचवें दिन आपने 6 मिनट ब्रिस्क वॉक करना। अब 6 मिनट ब्रिस्क वॉक क्या है, इसमें आपने 6 मिनट चलना है और 500 मीटर के करीब चलना है, और अपनी ऑक्सीजन लेवल को चेक करना है। अगर आपकी ऑक्सीजन जो लेवल है वो आपकी ऑक्सीजन लेवल 5% सेचुरेशन कम हो रही है, मतलब 5% से कम हो रही है लेवल, गिर रहा है उसका, इसका मतलब आपको निमोनिया हो रहा है। तो दिस द फर्स्ट साइन ऑफ निमोनिया। तो हमेशा कोरोना के पेशेंट्स को बोलता हूँ, पल्स ऑक्सीमीटर खरीदो, दिन में 3 बार अपने ऑक्सीजन लेवल चेक करो, एट रेस्टिंग स्टेट बैठ कर चेक करो, और फिर 6 मिनट चलने के बाद चेक करो, और अगर चलने के बाद आपकी ऑक्सीजन 5% से कम हो रही है, इसका मतलब यू आर डेवलपिंग निमोनिया और हाइपोक्सिया। तो दिस द फर्स्ट साइन, आप इसको जल्दी पकड़ सकते हो निमोनिया को, ताकि हम जल्दी इलाज स्टार्ट कर सकें और आपको बिगड़ने से बचा सके। तो नेक्स्ट डे इज डे 5। तो डे 5 में बहुत इंपॉर्टेंट डे है कोरोना इलनेस। डे 3 भी इंपॉर्टेंट है, डे 5 उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो किस लिए, क्योंकि डे 5 में यूजली जब हम पेशेंट को बोलता हूँ कि मुझे 5वें दिन CRPVC, CRP और डी डाइमर करके दिखाओ, वो क्यों कहता हूँ, क्योंकि नॉर्मली 5वें दिन में CRP को कम होना चाहिए। जितना आपका CRP पहले या तीसरे दिन था, उससे कम होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। CRP लेवल शुड डिक्लाइन आफ्टर 96 आवर्स। अगर आपका, तो 5वें दिन दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो एक तो सब कुछ ठीक हो रहा है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड है कि आपका CRP ठीक होना शुरू हो गया, 10 से कम आ गया है, 5 से कम आ गया है, पहले से कम होना शुरू हो गया है, अभी भी आपको बुखार थोड़ा सा है या खत्म हो गया है बुखार, खांसी भी थोड़ी सी रह गई है, और आपने 6 मिनट वॉक करके देखा है आपकी सेचुरेशन जो ऑक्सीजन की है वो भी नॉर्मल आ रही है, तो इट मीन्स वी आर ऑन द राइट पाथ। इसका मतलब हमें निमोनिया नहीं हुआ, क्योंकि अगर निमोनिया होना होता है तो तीसरे से लेके 5वें दिन के बीच में ही होता है, स्टार्ट यहीं से होता है, 3 से 5 में। हो सकता है कल को बिगड़ने से 11वें 12वें दिन तक बिगड़ता रहे। तो अगर आपके 5वें दिन ये तीनों चीजें हैं, इसका मतलब आपको निमोनिया नहीं हो रहा या बाइट सा हो रहा है जो आपको तंग नहीं कर रहा, तो दिस इज अ गुड साइन। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 5वें दिन में हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी 5वें दिन में ऐसे आए कि आपका CRP बढ़ जाए, आपका CRP बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अलार्मिंगली इंक्रीज कर जाए, और आपको उस वक्त बोलो मुझे हाई ग्रेड बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है साथ में, और 6 मिनट वॉक टेस्ट किया और उसको पता चला आपकी ऑक्सीजन जो सेचुरेशन है वो 5% से कम हो रही है, या आपकी रेस्टिंग ऑक्सीजन लेवल है वो 94% से कम हो रही है, तो भैया इसका मतलब समझ लो कि आपको हाइपोक्सिया हो रहा है, और हाइपोक्सिया हो रहा है इसका मतलब आपको निमोनिया हो गया है।
इस टाइम पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, जैसे मैंने ये यूज कर रहा हूँ, आपके दिमाग के सारे चैनल्स खुल जाने चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे फटाफट जाके जल्दी से जल्दी जाके आप सीटी स्कैन करवाइए, और साथ में हो, क्योंकि अगर आपकी तो ऑप्शन सेचुरेशन 94% से कम है, देन यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर एडमिशन। तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपको आपके सेचुरेशन 94% से कम आ रही है एट रेस्ट, और आपको तो देन यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन, बिकॉज दिस इज कॉल्ड मॉडरेट कोरोना। तो इस टाइम पे अगर आप दाखिल नहीं होना चाहते बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो फिर भी घबराइए मत, कम से कम मेडिसिन घर में बैठे बैठे स्टार्ट कर। अगर इस टाइम पे आप दाखिल होते हो तो आपको रेमडेसिविर जो वायरल एंटीवायरल ड्रग है वो डॉक्टर्स लगाएंगे। तो रेमडेसिविर है, उससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग बड़े सोच रहे हैं कि रेमडेसिविर पता नहीं क्या कुछ ब्रह्मास्त्र है, कुछ जादू का अस्त्र है, ऐसा कुछ नहीं है। रेमडेसिविर जो है वो मोर्टेलिटी को कम नहीं कर रहा। जितने भी ट्रायल्स आए हैं, जो एक्ट ट्रायल है, उसमें भी पाया गया है कि इससे मोर्टेलिटी का फायदा नहीं हुआ, मतलब किसी जान को नहीं बचा पा रहा है। हाँ, ये रिकवरी के डेज को कम कर रहा है। जहाँ आपने 15 दिन में ठीक होना था, वहां आप 10 दिन में ठीक हो रहे हो। तो ये, और वो भी उन लोगों को जिन लोगों को सिंपल अर्ली स्टेजेस में, जिनको सिंपल ऑक्सीजन चाहिए, ना कि उनको जिनको वेंटिलेटर चाहिए। रेमडेसिविर को फिर WHO ने एक ट्रायल किया था ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें पाया गया था रेमडेसिविर का कोई फायदा ही नहीं है। तो WHO आज भी डेट में ये कह रहा है कि रेमडेसिविर का फायदा नहीं है, बट जो अमेरिका वाले हैं, FDA वाले हैं, वो कहते हैं रेमडेसिविर का फायदा है। और हमारी गाइडलाइन, इंडियन गाइडलाइंस भी यही कहती है कि रेमडेसिविर को दो, पर अगर देना है तो अगेन पहले 7 दिनों में देने का फायदा है, ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों में। लेट मत कीजिए, जो भी एंटीबायोटिक देना है पहले 7 दिन में दीजिए, फिर उसके साथ पेशेंट को हमें स्टीरॉइड स्टार्ट कर देने चाहिए। वी कैन यूज एनी स्टीरॉइड, हम डेक्सा भी स्टार्ट कर सकते हैं, प्रेडनिसोलोन भी स्टार्ट कर सकते हैं, मिथाइल प्रेडनिसोलोन भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जो है मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, वो उसकी लंग्स की पेनिट्रेशन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी सबसे ज्यादा है। हाँ, जो रिकवरी ट्रायल जो हुआ था इंग्लैंड में, उसमें उन्होंने डेक्सा यूज किया था, क्योंकि डेक्सा इज वेरी चीप ड्रग। उन्होंने वो डेक्सा एक ऐसा दवाई है, डेक्सा मतलब स्टीरॉइड्स एक ऐसी दवाई है जो जो पाया गया है कि ये मोर्टेलिटी को कम करती है, ये मरने से बचाती है, 80% मरने से बचाती है ये स्टीरॉइड्स। बट अगेन स्टीरॉइड्स कब यूज करनी है ये भी बहुत यूजफुल है, ये भी पता होना चाहिए। स्टीरॉइड्स अच्छी ड्रग है, पर आपको पता होना चाहिए किन पेशेंट में यूज करनी है, कब यूज करनी है, देयर इज एन एप्रोप्रिएट टाइमिंग। अगर स्टीरॉइड्स आप माइल्ड केस में दोगे, तो जो रिकवरी ट्रायल है जो इंग्लैंड में हुआ था, उन्होंने पाया, उन्होंने ऑब्जर्व किया वहां पे कि जिनको माइल्ड लोगों को स्टीरॉइड दे दिए तो वो खराब हो गए सब। तो स्टीरॉइड्स उनको देनी है जिनको मॉडरेट टू सीवियर बीमारी है, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम होना स्टार्ट हो गया है, जिनको निमोनिया डेवलप हो चुका है। सो हम हर मेडिसिन की कोई इंडिकेशन है, कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, और स्टीरॉइड्स के साथ पेशेंट को एंटीकोगुलेंट स्टार्ट कर। अब सपोज करो पेशेंट कहता है मेरे पास बेड नहीं है, या मैं दाखिल नहीं होना चाहता, या मुझे बेड नहीं मिल रहा है, या मेरे पैसे नहीं है, या वट एवर द रीजन, मुझे फोबिया बहुत है, तो आप घर बैठे बैठे ही स्टीरॉइड्स की गोली को स्टार्ट कर लीजिए, मिथाइल प्रेडनिसोन या ओमनाकोटिल को, और साथ में एंटीकोगुलेंट स्टार्ट कर। ऑल्दो गवर्नमेंट डज नॉट रिकमेंड, गवर्नमेंट चाहती है कि इन ऑल दिस मॉडरेट पेशेंट्स टू बी एडमिटेड, बट आप नहीं करना चाहते तो कम से कम ये स्टार्ट कर लीजिए घर बैठ के, इसी से बहुत लोगों 80% लोग बच जाएंगे। तो ये था हमारा तो सेकंड पॉसिबिलिटी, मतलब आप खराब हो गए 5वें दिन। सो नेक्स्ट है 7वें और 9वें दिन में। तो इसमें भी आगे दो प्रकार हो सकता है, हो सकता है पेशेंट ठीक हो रहा हो, 7वें दिन पेशेंट का CRP और कम हो जाए, 5 से भी कम आ जाए, 7वें दिन नॉर्मल लिम्फोसाइट्स में नॉर्मल आना शुरू हो जाता है, पेशेंट का बुखार खत्म हो जाता है, वॉक टेस्ट नॉर्मल होता है, तो इसका मतलब आप जीत गए। तो दिस इज अ हैप्पी एंडिंग ऑन डे 1। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपका 7वें दिन भी CRP बढ़ रहा है, आपका ऑक्सीजन लेवल और कम होना शुरू हो रहा है, तो देन डोंट वेस्ट टाइम, गेट योर सेल्फ एडमिटेड, डोंट वेस्ट टाइम, क्योंकि इसका मतलब आपका निमोनिया बढ़ रहा है, आपको साइटोकाइन स्टॉर्म आने का खतरा है, आप हाइपर इंफ्लेमेटरी स्टेट में पहुंच रहे हो। तो देन डोंट वेस्ट टाइम, घर में मत बैठिए। तो इसलिए कुछ और चीज बताना चाहता हूँ, जो लोग पेशेंट्स घर में रहकर इलाज करते हैं, कि आपको डेंजरस साइंस का पता होना चाहिए। तो डेंजरस सिम्टम्स क्या है, जब मरीज बोले मुझे सांस चढ़ना शुरू हो गया बैठे बैठे या चलने पे, या मरीज उठा सीधा बोलना शुरू कर दे, इररेलेवेंट स्पीच हो जाए जिसकी, या वो बेहोश हो जाए, या मरीज नीला पड़ना शुरू हो जाए, मतलब साइनोसिस होना स्टार्ट हो, तो ये थे सिम्टम। क्या साइन है कि मरीज को डेंजरस
साइंस कौन से हैं, उसमें ब्लड प्रेशर का कम होना, जो सांस है वो 24 पर मिनट से ज्यादा हो जाना, मतलब सांस रेस्पिरेटरी रेट है जो थोड़ा वो 1 मिनट से 24 पर ज्यादा होना, या मरीज का हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाना 110 से ज्यादा और बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाना, या आपका जो ऑक्सीजन लेवल है जो टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर है वो लेस देन 94% है। तो दीज आर ऑल डेंजरस साइंस, और जब भी ये आपके पेशेंट में आ रहे हैं जो पेशेंट का आप घर में इलाज कर रहे हो तो इमीडिएटली पेशेंट को एडमिट करवाना ही करवाना। तो अब हम अगली मिस्टेक की तरफ चलते हैं जो नॉर्मली देखा गया है, ये कितने पेशेंट मैं रोज देखता हूँ ऐसे लेट प्रेजेंटेशन, बाद में माफिया मांगते हैं। ये पेशेंट जैसे हैं 62-year-old मेल है, ये पेशेंट को बुखार हुआ खांसी हुई 7 दिन से, बुखार था गला खराब था खांसी थी 7 दिन से, 8वें दिन में ये घर बैठे रहे, 8वें दिन में इन्होंने नोट किया कि हमारे फादर साहब को सांस की दिक्कत नहीं आनी स्टार्ट, वो मेरे पास आए, मैंने वो सीटी स्कैन करा लिया, उसमें वायरल निमोनिया आ गए और कोविड पीसीआर भी उनका पॉजिटिव है, और उनका सीआरपी कराया वो बहुत ज्यादा था 50 से ज्यादा था, और उनकी ऑक्सीजन लेवल क्या थी 80%। तो ये तो मरीज पूरा खराब होकर आया हुआ 8वें दिन। तो इस पेशेंट ने क्या क्या मिस्टेक्स की ताकि आप लोग ये सब मिस्टेक्स ना कर सको, ताकि आप लोग इस सिवियर कंडीशन में ना आ सके, अल्टीमेटली दिस पेशेंट डाइड। तो क्या मिस्टेक की, तो पहली मिस्टेक ये की क्योंकि ये शुगर के मरीज हैं और उनकी उम्र है 62 साल, तो क्योंकि इनकी उम्र 62 साल है तो इट मीन्स दिस पेशेंट बिलोंग टू हाई रिस्क ग्रुप, इनको पहले ही अपने जनरल प्रैक्टिशनर के साथ मिलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि हमारे फादर साहब हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, आप हमें बताएं क्या करना है। दूसरा, इनको पहले ही दिन सारे टेस्ट करवाने चाहिए थे, कोविड पीसीआर सीआरटी सीबीसी एलएफटी डीएनएमआर सारे, वो भी इन्होंने नहीं कराए। तीसरा, अगर इन्होंने कराए होते तो हम इनको उस टाइम पे एंटीवायरल आइवरमेक्टिन डॉक्सीसाइक्लिन कुछ भी स्टार्ट करते और उनको बताते कि आप रेगुलरली सीआरपी मॉनिटर करते रहो और अगर बढ़ता है तो हम आपको स्टीरॉइड और एंटीकोगुलेंट डालते। और इन्होंने क्या किया, ये तो घर बैठे रहे, इन्होंने कुछ नहीं चेक किया, ना एसपीओ2 चेक किया ना सीआरपी चेक किया, और फाइनली जब बहुत ज्यादा निमोनिया हो गया, जब आपको बैठे बैठे ही ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो वो हमारे पास आ, तो अब तो ये सीवियर सीवियर बीमारी लेके आ रहे हैं, सीवियर निमोनिया है, ऑक्सीजन सेचुरेशन एसपीओ2 जो है आपकी 80% है, तो इट इज सीवियर कोरोना, तो ही विल रिक्वायर एडमिशन, और एडमिशन जिसको हम बचा सकते थे बट क्योंकि एडमिशन करानी पड़ गई, अब उसके बाद डॉक्टर्स के पास भी बहुत कम ऑप्शंस होते हैं, दे विल ट्राई बट ऑप्शन उनके पास भी बहुत कम है। तो डोंट कमिट ऑल दिस मिस्टेक्स, अगर आपको लक्षण आते हैं तो डोंट वेट, सेम डे पे मेडिसिन स्टार्ट कर दीजिए और सारे टेस्ट करवाइए, रेगुलरली टेस्ट करवाते रहिए, मॉनिटर कीजिए सीआरपी को, और अगर बढ़ता है तो स्टीरॉइड्स और वो स्टार्ट कर लीजिए, एंटीकोगुलेंट स्टार्ट कर लीजिए, या ऑक्सीजन लेवल चेक करिए और 94% से कम है तो दाखिल हो जाइए। तो दिस इज अनदर मिस्टेक, ये भी एक पेशेंट हमारे पास आए थे, इन्होंने मुझे दिखाया 65-year-old डायबिटिक फीमेल थे ये, तो ये इनको पहले दिन पे ही कोविड इलनेस डायग्नोज कर दी थी हम, तो ये इतने थोड़े जागरूक थे तो इनको पहले ही दिन में हमने बता दिया था, क्योंकि इनके सिम्टम्स थे फीवर सोर थ्रोट के, इन्होंने टेस्ट भी करवा लिया कोविड पीसीआर, तो इन्होंने टेस्ट कराया तो टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया, तो उस टाइम भी इन्होंने सारे टेस्ट करवा लिए, सारे टेस्ट करवाए इस पेशेंट ने, और सीआरपी हमने पहले दिन करवाया तो 6 करवा दिया, तो ये क्योंकि सब कुछ नॉर्मल था तो इट इज कंसिडर्ड माइल्ड कोरोना, तो हमने इनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी, और मैंने इनको बोला कि आप मेरे पास तीसरे दिन आएंगे सीआरपी डी डाइमर की रिपोर्ट लेके, और साथ में आप घर में बैठे ऑक्सीजन लेवल चेक कराते रहेंगे एट रेस्टिंग पोजिशन और आफ्टर 6 मिनट वॉक टेस्ट। बट ये पेशेंट आए नहीं, ना तीसरे दिन आए, ना 5वें दिन आए, ना 7वें दिन आए, और इन्होंने 5 ऑक्सीमीटर तक नहीं खरीदा। फाइनली इनका एक मुझे फोन आया 9वें दिन कि मेरी मदर को तो सांस लेने में मुश्किल आ रही है और उठा सीधा बोलना स्टार्ट कर, तो मैंने उस टाइम पे उनको बोला कि सीआरपी कराइए, 90 सीआरपी था, ऑक्सीजन लेवल 80% था, सीटी में सीवियर निमोनिया था, 24 था इनका निमोनिया, अल्टीमेटली शी डाइड इन हॉस्पिटल। सो दिस इज अ केयरलेस एटीट्यूड, अगर आप पेशेंट को घर में इलाज करवा रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, आपने ही देखना है कि हमारा पेशेंट खराबी की तरफ तो नहीं जा रहा, हमारा पेशेंट खराब तो नहीं हो रहा, उसका सीआरपी तो नहीं बढ़ रहा, उसका ऑक्सीजन लेवल तो नहीं कम हो रहा, दिन में 2-3 बार चेक किया कीजिए,
ये बात याद रखिए कि जो ऑक्सीजन लेवल हम बोलते हैं 6 मिनट चलने के बाद, इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले एक्सर्शनल हाइपोक्सिया आएगा, सबसे पहले चलने के बाद ऑक्सीजन लेवल कम होती है, तो दैट्स द फर्स्ट साइन ऑफ निमोनिया। उसके बाद बैठे बैठे कम होती है। अगर आप घर बैठे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, ना कि केयरलेस एटीट्यूड होना चाहिए। सो रिगार्डिंग एंटीबॉडी टेस्ट, अब मार्केट में बहुत तरह के एंटीबॉडीज आ चुके हैं, तो मैं उसके बारे में सिर्फ एक दो चीजें बहुत जरूरी बताना लोगों को चाहूंगा कि कौन से टेस्ट करवाने हैं, क्योंकि यू आर वेस्टिंग योर मनी। दो तरह के एंटीबॉडीज होते हैं, एक होते हैं बाइंडिंग एंटीबॉडीज, जैसे IgM, IgG टोटल, ये पहले होते थे, हम पहले करवाते थे। IgM एंटीबॉडीज यूजली आता है 10 दिनों के बाद, 7 दिनों के बाद, और IgG एंटीबॉडीज यूजली आता है 15 दिनों के बाद। तो और तीसरे तरह का एंटीबॉडी चेक होता है टोटल एंटीबॉडी। दीज आर जस्ट बाइंडिंग एंटीबॉडीज। बाइंडिंग का मतलब कि जस्ट हम इतना ही बताते हैं कि आपके पहले पीछे कोरोना हुआ या नहीं हुआ, और इसका कोई फायदा नहीं है। ये एंटीबॉडी चाहे आपके शरीर में है पर इसका कोई फायदा नहीं है, ये वायरस के साथ प्यार ही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। दूसरा है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। पहले हमारे पास न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज की प्रॉपर किट्स नहीं होती थी, बट नो वी हैव फैसिलिटीज फॉर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज मतलब प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज। अगर आपके पास ये एंटीबॉडीज हैं तो इसका मतलब यू आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉडरेट टू सीवियर कोरोना। अब ये एंटीबॉडीज कुछ लैब्स कर रही हैं, जैसे लाल पैथ कर रही है, SRL लैब कर रही है और MPATH लैब कर रही है, तीनों लैब्स कर रही हैं ये टेस्ट। तो हमेशा अपने डॉक्टर को बोलिए कि हमारा न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज कराइए, 1200-1300 में होता है तो क्यों ना ये करवाएं। ये एंटीबॉडीज होता है, दिस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज आर डायरेक्टेड अगेंस्ट द स्पाइक प्रोटीन और रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। तो पहले हमारे पास ऐसी किट्स नहीं थी, तो बहुत ज्यादा फैसिलिटी की अवेलेबल चाहिए होती है इसको चेक करने के लिए कि ये वायरस को न्यूट्रलाइज करती है नहीं, बट नो वी हैव प्रॉपर किट्स। सो ये आपको बताएंगे कि आपने इम्यूनिटी डेवलप की है या नहीं की। तो अगला क्वेश्चन आता है कि कब करानी चाहिए ये एंटीबॉडी। देखिए अगर आपके पास इन्फेक्शन हुई है, आपको कोविड इन्फेक्शन हुई है, तो कोविड इन्फेक्शन के 14 से लेकर 28 दिन तक करानी चाहिए। 28 दिन में कराएंगे तो पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा है। हाँ अगर आपने इंजेक्शन लगवा लिया कोविड का तो फिर कब करानी चाहिए, तो फिर आइडली जो है वो 14 डेज आफ्टर द सेकेंड डोज, मतलब दूसरी डोज के 14 दिन बाद करवानी चाहिए। बट कुछ लोग पहली डोज के 3 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद भी करवा रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितने पैसे हैं, टू सी उन्हें इम्यून रिस्पॉन्स हुआ या नहीं हुआ। बट एंटीबॉडी टेस्टिंग बिफोर वैक्सीनेशन एंड आफ्टर वैक्सीनेशन दे आर नॉट रिकमेंडेड बाय गवर्नमेंट, बट ये मेरा अपना पर्सनल विचार है, इट मेक्स सेंस। एंटीबॉडी टेस्ट कराना एक अच्छी चीज है, बिकॉज इससे हमें पता चलेगा कि आपके अंदर जो वैक्सीन लिया वो एफिकेसी भी, उसकी एफिकेसी है भी है या नहीं है। देन दूसरा इसका जो फायदा है, जो WHO भी कहता है कि ये हमें वो लोग ढूंढने में मदद कर देगी जिनके एंटीबॉडीज अच्छे बने हैं, जिनका कल को हम प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। सो टू सी द एफिकेसी ऑफ वैक्सीन, टू लुक फॉर प्लाज्मा डोनेशन, वी मे गो फॉर दिस एंटीबॉडी टेस्टिंग, बट देर आर सडन कैविट्स। वो कैविट्स क्या है कि जो एंटीबॉडी के जो टाइटल्स हैं, कितने लेवल पे एंटीबॉडी टाइटल जो है प्रोटेक्टिव है वो अभी तक पता नहीं है। तो रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन, एंड क्योंकि डिजीज इज न्यू एंड इवॉल्विंग, तो काफी पता चल जाएगा हमें कि कितना लेवल होना चाहिए जिससे हम कह सकें कि ये पेशेंट पूरा प्रोटेक्टिव है। सेकेंडली ये कॉस्टली टेस्ट है, 1200-1300 रुपए का। तीसरा, कई लोगों के एंटीबॉडीज बनती नहीं है, और कई बार एंटीबॉडी सेल्फ बेस्ड इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडी इम्यूनिटी होती नहीं है। तो जो सेल्फ बेस्ड इम्यूनिटी है वो तो ये टेस्ट चेक ही नहीं करते। इनफैक्ट सेल्फ बेस्ड इम्यूनिटी के टेस्ट तो अभी तक अवेलेबल ही नहीं है। और चौथा, जो गवर्नमेंट भी सोचती है, हम भी सोचते हैं कि जो लोग एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ जाएंगे वो फिर कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे, वो फिर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यूज नहीं करेंगे, वो फिर क्या करेंगे, वो कहेंगे यार एंटीबॉडीज बढ़िया है, कोई मास्क का फायदा नहीं, पार्टीज करते हैं कोई चक्कर नहीं, उधर तो सारी एंटीबॉडीज बढ़िया। सो एंटीबॉडी का यही प्रॉब्लम है एंटीबॉडी टेस्टिंग का, कि कॉम्प्लेसेंसी आप में आप एंटर कर सकती है आपके अंदर। सो हमेशा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये लेके चलिए, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर है। सो आज की डेट में हमारे पास वैक्सीन कौन कौन सी हैं और हम वैक्सीन रिलेटेड क्वेरीज क्या क्या, आज की डेट में हमारे पास 2 वैक्सीन है, एक सोशल वैक्सीन, मैं इसको बोलता हूँ सोशल वैक्सीन। सोशल वैक्सीन मतलब प्रॉपर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, नो कोविड फटीग, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस, बार बार हाथ धोना 20 सेकंड के लिए कम से कम,
और एटलीस्ट 3 प्लाई मास्क डाल के रखिए। ये है सोशल वैक्सीन। इस वैक्सीन का आज की डेट में भी कोई तोड़ नहीं है, ये आपने करनी ही करनी है, चाहे आप दूसरी बायोलॉजिकल वैक्सीन भी लगवा लें, ये वैक्सीन फिर भी आपने करनी ही करनी है। दूसरे हमारे पास डिफरेंट तरह की वैक्सीन है जो अब इंडिया में अवेलेबल हो चुकी हुई है, और जिसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा क्वेरीज है, दिन में 50-100 फोन आते हैं कौन सी वैक्सीन लगवाएं और क्या करें, बुखार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो बायोलॉजिकल वैक्सीन क्या है हमारे पास? कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन हमने इंडिया में बनाई हुई वैक्सीन है। दूसरी हमारे पास वैक्सीन है जो ऑक्सफोर्ड के एस्ट्राजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बनाई है, उसको बोलते हैं कोविशील्ड वैक्सीन। और अब गवर्नमेंट ने स्पुटनिक वैक्सीन जो हमारी रशियन वैक्सीन है उसको भी मंजूरी दे दी है, और आने वाले टाइम में वैक्सीन वाली मार्केट ओपन होने वाली है। हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे पास mRNA वैक्सीन जो कि फाइजर और मोडर्ना की है वो भी आते हैं। ये बात याद रखें जो फाइजर और मोडर्ना की वैक्सीन है ये थोड़ी महंगी वैक्सीन, काफ़ी महंगी वैक्सीन होंगी, और इनको स्टोर करना बड़ा मुश्किल है -70-80 डिग्री टेम्परेचर में। बट इसका ये फायदा है ये जो वैक्सीन है, जो mRNA वैक्सीन है जो फाइजर की है, ये चाहे इंडिया में नहीं है पर इनकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा है, 95% की एफिकेसी है। और दूसरी बात है इनको बनाना बड़ा आसान है। अब हमारे पास जो वैक्सीन है उसके रिगार्डिंग बात करें, कोवैक्सीन, कोवैक्सीन जो हमारे यहाँ भारत सिरम ने बनाई है, इट्स अ किल्ड वैक्सीन, इट्स अ किल्ड होल वायरस। इसमें वायरस को किल किया गया है विद फॉर्मेल्डिहाइड या कोई केमिकल से या हीट करके, और उसको हमें उसके अंदर हमारे अंदर डाल दिया गया। तो इट्स अ किल्ड वैक्सीन। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इसकी एफिकेसी 81% है कोवैक्सीन। अब एफिकेसी का क्या मतलब है? लोगों को एफिकेसी सोचते हैं कि 81% एफिकेसी मतलब कि अगर 100 पेशेंट्स को या 100 लोगों को ये वैक्सीन लगाएंगे तो 81% को कोरोना नहीं होगा और 90 को कोरोना हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। ये ऐसे एफिकेसी ऐसे नहीं होती। 81% एफिकेसी का मतलब ये है कि अगर आप ये वैक्सीन लगा लोगे तो आपको कोरोना होने के चांसेस 81% कम हो जाएंगे एज कम्पेयर टू 2% जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई। तो ये मतलब है एफिकेसी। दूसरा, क्योंकि इसमें होल वायरस डाला है तो इसका मतलब इसके खिलाफ जो इसमें हमें एंटीबॉडीज बनेंगी हमारे अंदर जो हमारे शरीर में जाके ये एंटीबॉडीज बनाएगा, क्योंकि इसमें सारे का सारा वायरस डाला है तो सारे के सारे एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी। स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ भी एंटीबॉडीज बनेगी, मेम्ब्रेन प्रोटीन के खिलाफ भी एंटीबॉडीज बनेगी, इनवेल प्रोटीन के खिलाफ भी एंटीबॉडी बनेगी, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेगी। इसलिए क्योंकि ये डिफरेंट तरह की एंटीबॉडीज बनाएगा, इसलिए थ्रेटिकली ये है कि चाहे जो वेरियंट्स हैं, चाहे वायरस म्यूटेट भी कर जाएगा तो ये जो हमारी वैक्सीन है फिर भी इफेक्टिव है, बिकॉज वायरल म्यूटेशन ज्यादा काम कर रहा है रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में, स्पाइक रीजन में, तो दूसरे एंटीबॉडीज तो हैं जो हमें बचाएंगे। सो दिस इज अ थ्रेटिकल। आने वाला टाइम बताएगा कि ये हमारा जो वैक्सीन है उनके खिलाफ कितना असरदार। हाँ, ये किल्ड वैक्सीन है। जो किल्ड वैक्सीन होती है उसकी रिएक्शंस कम, बहुत कम होती है। किल्ड वैक्सीन उसकी रिएक्शंस मतलब बुखार होना, CRP बढ़ना या क्लॉट्स आना, इनके चांसेस या नॉर्मल साइड इफेक्ट जो होते हैं इसमें कम होते हैं। तो हमारे किल्ड वैक्सीन का एक साइड इफेक्ट होता है कि इनको एक तो बनाना बड़ा मुश्किल होता है, तो इट इज टीडियस प्रोसेस। दूसरा ये होता है कि इसमें बार बार बूस्टर डोजेस देनी पड़ती, तो ये इसका नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं बोलेंगे, सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स बोलेंगे कि ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जो पुरानी हमारी जितनी वैक्सीन बनती है वो ट्रेडिशनल इसी मेथड से बनती है। पहले हमारे जो ट्रेडिशनल रेबीज वैक्सीन है वो ऐसे ही हम बनाते थे, मतलब हम वायरस को किल करके अंदर डाल देते। तो ये नई टेक्नोलॉजी नहीं है, इट्स ट्रेडिशनल मेथड, इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड। तो ये मत सोचो कि ये इंडिया में बनी है तो ये मतलब कितनी एफिकेसी नहीं होगी, खराब होगी। इट्स ट्राइड एंड ट्राइड टेस्टेड मेथड। चाइनीज वैक्सीन भी है जो जिसको साइनोवैक बोलते हैं, उन्होंने भी इसी तरह से वैक्सीन बनाई और उनकी एफिकेसी कुछ जगह पे 50% करीब आ रही है, ब्राजील में, इंडोनेशिया में 80% के करीब आ रही है। उनकी एफिकेसी डाउटफुल सी है कितनी है। इवन हमारे पास भी क्योंकि अभी स्टार्ट हुई है, एफिकेसी के एक ही रिजल्ट्स है, आने वाला टाइम और बताएगा कि कितनी एफिकेसी। हाँ, इतना जो कह सकता हूँ ये सेफ बहुत होती हैं जो किल वैक्सीन होती हैं। ये कितनी इम्यूनोजेनिक कितनी होती है ये तो आने वाला टाइम बताएगा, पर दे आर वेरी लेस इफेक्टिव।
सो अनदर वैक्सीन इज कोविशील्ड वैक्सीन। ये जो हमारी जो कोविशील्ड वैक्सीन है जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने मिलके सीरम इंस्टीट्यूट का मिलके बनाई है, तो इसमें क्या किया गया है, इट्स बेसिकली ए एडिनो वेक्टर वैक्सीन, इट्स अ वेक्टर बेस्ड वैक्सीन। मतलब एडिनो वायरस लिया है, चिंपैंजी का एडिनो वायरस लिया है, चिंपैंजी के एडिनो वायरस में इन्होंने कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन को जोड़ दिया, मतलब उसके कोरोना वायरस के जीन को एडिनो वायरस के जीन में जोड़ दिया, डीएनए में जोड़ दिया। तो ये जो वैक्सीन है ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, मतलब ये वीक वायरस को वीक करके डाला गया। हालांकि ये जो स्पेशली जो ये वाली वैक्सीन है कोविशील्ड है, जो इन्होंने इस तरह से वीक किया हुआ है ताकि एडिनो वायरस आपके अंदर जाके रेप्लिकेट ना कर सके, क्योंकि रेप्लिकेट नहीं कर सकता इसलिए इसके साइड इफेक्ट की चांसेस कम है। तो इन्होंने है तो लाइव एटेन्यूएटेड पर इन्होंने इसको आगे और मॉडिफाई किया ताकि अंदर जाके वो रेप्लिकेट ना कर सके। तो इसकी एफिकेसी 70 से लेकर 90% के करीब है, डिपेंडिंग ऑन आपका दूसरा इंजेक्शन 4 हफ्ते बाद लेते हो या 12 हफ्ते बाद। अब प्रॉब्लम ये है क्योंकि इट्स अ लाइव एटेन्यूएटेड वायरस, सो इट इज रेक्टोजेनिक, इसमें रिएक्शन आने के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू कोवैक्सीन। बट अगेन ये जो रिएक्शन है मोस्ट ऑफ द पेशेंट, मोस्ट ऑफ लगभग सब में माइल्ड रिएक्शन, और रिएक्शन आने का मतलब आपका इम्यून रिस्पॉन्स काम कर रहा है, सो इट इज लाइकली टू माउंट मोर इम्यून रिस्पॉन्स। अब दो इश्यूज हैं इसमें कि क्योंकि ये रेक्टोजेनिक थोड़ी वैक्सीन है तो हो सकता है कि प्री डिस्पोज इंडिविजुअल्स जिनको ऑलरेडी बहुत मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिनको शुगर है, हार्ट की बीमारी है, उनमें क्लोट्स कर दे। तो हमने देखे भी हैं, हम सुनते हैं कि इंजेक्शन लगाया मौत मौत हो गई 4 दिन बाद 5 दिन बाद, तो हो सकता है कि रिस्पॉन्स बहुत कम है, चांसेस बहुत ज्यादा कम है, बट ये सुनने में आया है। तो इसमें इसमें जो एंटीबॉडीज बनेंगी कोविशील्ड में सिर्फ स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ बने, तो क्योंकि सिर्फ स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बनेंगी तो ये एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा म्यूटेंट आ सकता है कि जिस पर ये असर ही ना करे। अगर स्पाइक प्रोटीन ही वायरस का इतना म्यूटेट कर जाए तो फिर तो ये एंटीबॉडी काम ही नहीं करेगी, तो ये वैक्सीन पर काम ही नहीं करेगी, बट इज अ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। बट मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मेन जो प्रोटीन जो वायरस में होता है वो स्पाइक प्रोटीन ही होता है, तो अगर आप स्पाइक प्रोटीन वायरस से को न्यूट्रलाइज कर लेते हो तो आप वायरस को न्यूट्रलाइज कर लेते हो। ये आज की डेट में इसलिए सब जो वैक्सीन हैं, चाहे वो अमेरिका की वैक्सीन है, चाहे कोविशील्ड है, चाहे स्पुटनिक है, सबके सब स्पाइक प्रोटीन को यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट्स द मोस्ट न्यूट्रल। अगर आपने इसको न्यूट्रलाइज कर लिया तो आपने वायरस को न्यूट्रलाइज कर। तो अगला क्वेश्चन है कि सर वैक्सीनेशन लगाने से पहले क्या क्या चीजों का परहेज करना चाहिए, क्या क्या चीज चेकलिस्ट करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप ठीक हो तभी लगाओ, अगर आपको बुखार है, खांसी है, कोई भी चीज है, और भी कोई बीमारी है, आप ठीक लो फील कर रहे हो, सिंपल लो फील कर रहे हो, डोंट गो फॉर वैक्सीनेशन। अगर आप शुगर के मरीज हो, ब्लड प्रेशर के मरीज हो, या आपको बॉडी में कहीं इन्फ्लामेशन है, सीआरपी आपका रेज है, तो मेक श्योर कि पहले आप उसको कंट्रोल कीजिए। ये बहुत कॉमन है कि दोनों तरह के वैक्सीन के बाद लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा है, पेशेंट्स कहते हैं सर हमारा बीपी बढ़ गया इंजेक्शन वैक्सीन के बाद, तो आप बीपी की दवा उस दिन लेके जाएं। आप अपने शुगर को पहले कंट्रोल कीजिए फिर वैक्सीन की लगाइए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कीजिए और बीपी की दवा खा के जाए फिर वैक्सीन लगाना। देन जहां भी आप जाते हो मेक श्योर कि वहां पे आपके पास ऐसी उस हॉस्पिटल के पास ऐसी फैसिलिटी है वो कि अगर आपको एनाफिलैक्सिस होता है तो उसके पास लाइफ सेविंग इंजेक्शन हो या लाइफ सेविंग फैसिलिटी हो। अब एनाफिलैक्सिस तो किसी भी वैक्सीन के बाद हो सकता है, दोनों के बाद, कोविक्सिन के बाद भी हो सकता है, कोविशील्ड के बाद भी हो सकता है, इवन एमआरएनए अमेरिका में हो सकता, अमेरिका की वैक्सीन से उनमें हो रहा है एनाफिलैक्सिस। एनाफिलैक्सिस बहुत कम लोगों को होता है, वेरी रेयर इवेंट, बट इट इज लाइफ थ्रेटनिंग, इससे मौत भी हो सकती है। तो हमेशा वहां जाके पूछो जहां पे इंजेक्शन लग रहा है, या कम से कम आपके पास एड्रेनालिन के इंजेक्शन तो है, क्योंकि अगर आपको एनाफिलैक्सिस हुआ है तो आपको 15 और आधे घंटे में हो जाएगा। जो एनाफिलैक्सिस 15 और आधे घंटे में होता है वो आईजी मीडिएटेड होता है, उसके लिए आपको फिर एड्रेनालिन इंजेक्शन लगाना पड़ता है। उस टाइम पे फिर आप कहीं और दूसरे भागे को थोड़ा किसी दूसरे हॉस्पिटल में, तो मेक श्योर कि एड्रेनालिन इंजेक्शन हो जहां पे आप इंजेक्शन लगा रहे हो, और जहां पे भी इंजेक्शन लगाना है कम से कम वहां पे आधा घंटा बैठना है, क्योंकि एनाफ्लेक्सिस मोस्टली आधे घंटे तक ही होता है। हाँ कई लोगों को डिलेड एनाफ्लेक्सिस हो जाता है जो आईजीएम आईजी मीडिएटेड होता है, पर उसमें इतना लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, उसमें स्किन रैश आ सकती है, उसमें
लिप स्वेलिंग हो सकती है, उसके लिए हम उस तरह की मेडिसिन था, पर आधा घंटा वहां पे बैठना ही बैठना। और एक जो चीज है कि लोग, मैंने मतलब कई लोग मेरे पास आए, वो कह रहे हैं कि हमें बोला गया कि खून पतले की गोली बंद कर दो इंजेक्शन से पहले, ये बहुत ही डेंजरस चीज है। आपने खून पतले की गोली बिल्कुल बंद नहीं करनी, आप इनफैक्ट खून पतले करने की गोली आपको बचाएगी क्लॉट्स होने के, अगर आपके चांसेस है नहीं है पूरे। तो अब देखते हैं मोस्ट ऑफ साइड इफेक्ट क्या होता है। मोस्ट ऑफ साइड इफेक्ट इंजेक्शन साइड पे पेन होता है, जैसे इंजेक्शन लगाया उसके बाद पेन रहा यहाँ, या कई लोगों को माइल्ड सा फीवर होता है, कई लोगों को वीकनेस हो जाती है, दो तीन हफ्ते तक लगे लोगों को वीकनेस और शिद्दत रह रहा है, हमने देखा है। बट कुछ लोग हैं जिनमें बहुत ज्यादा हाई ग्रेड बुखार आ रहा है विद रेस सीआरपी जो 3-4 दिन लगता है। अगर आपका बुखार 101 से या 100.4 से ज्यादा आ रहा है विद रेस सीआरपी वैक्सीनेशन के बाद, तो इसका मतलब ये मोस्टली ये कोविशील्ड के बाद होता है, रेक्टोजेनिक वैक्सीन है, तो आप उस पेशेंट को पैरासिटामोल, अगर उससे फर्क नहीं पड़ता तो उनको मिथेनिबिक एसिड दे दीजिए या कॉम्बिफ्ल आइबुप्रोफेन दे दीजिए। तो आप वैक्सीन के बाद ये चीज दे सकते हैं, आप वैक्सीन के बाद पैरासिटामोल गोली भी दे सकते हैं, ब्रूफन की गोली भी दे सकते हैं, मिथेनिबिक एसिड गोली भी दे सकते हैं। बट अगर हाई ग्रेड बुखार है तो मोस्ट चांसेस है कि वो पैरासिटामोल से फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए आपको नसाइड्स मिथेनिबिक एसिड या कॉम्बिफ्लम देना ही पड़ेगा। एनाफिलैक्टिक रिएक्शन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कई लोगों में, मतलब बहुत कम लोग ऐसे हैं जो प्री डिस्पोज होते हैं, मतलब जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उन्हें हमने देखा है कि कोविशील्ड देने के बाद कुछ लोगों को बाद क्लोट्स आ गए हैं, मतलब हार्ट अटैक आया है, कुछ आया है, बहुत ज्यादा कम लोग हैं। तो हमेशा प्री डिस्पोज, ये इनको बोलते हैं प्री डिस्पोज इंडिविजुअल, इन लोगों को हमेशा अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और उनसे पूछिए कि हम इकोस्पिन ले सकते हैं नहीं ले सकते। मेरे ख्याल से तो अगर हम इन लोगों को इकोस्पिन दें और 3-4 दिन लगातार देते भी रहे, हफ्ता पूरा देते भी रहे, तो क्या प्रॉब्लम है। देन स्पेशली ये VIDD सिंड्रोम हो रहा है फीमेल्स में, ये यूरोप में पहले हुआ था आफ्टर कोविशील्ड वैक्सीन, फिर उसके बाद जॉनसन एंड जॉनसन के बाद भी हुआ है, और अब इवन mRNA वैक्सीन जो अमेरिका में, उसके बाद भी ये हो रहा है। तो VIDD मतलब वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटिस, ये ज्यादातर यंग फीमेल्स में हो रहा है जिनकी उम्र है 18 से लेकर 50 साल के बीच में, और विद इन 2-3 वीक्स, 2 या 3 हफ्ते में वो पेशेंट कह रहे हैं कि उनके प्लेटलेट काउंट कम हो रहे हैं। उनके प्लेटलेट काउंट कम होने के साथ साथ वो यहाँ पर उनको ब्रेन का में क्लोट आ रहे हैं, जिसको बोलते हैं सर्विग्नस थ्रोम्बोसिस, वो प्रेजेंट करेंगे सिर दर्द के साथ, या उनको डीप लेग में स्वेलिंग हो रही है, या उनके पेट में स्वेलिंग हो रही है, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस हो रहा है, पेट में दर्द हो रही है, सॉरी। तो स्पेशली ये जो अभी तक जो देखा गया है, ये कोविशील्ड के बाद देखा गया है, ये बहुत रेयर एक्चुअली एडवर्स इफेक्ट है, कि लेके चलिए कि 1 मिलियन में 1 लोगों को हो रहा है, बहुत कम लोगों को हो रहा है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, बट जागरूकता रखनी जरूरी है। अगर आप फीमेल हैं तो आपने ये इंजेक्शन लगवाया है स्पेशली, तो 15 दिन तक देखिए ध्यान से कि आपको सिद्धर तो नहीं होना स्टार्ट हो गया, आपके पैरों में स्वेलिंग तो नहीं आ गई, आपका पेट दर्द तो नहीं स्टार्ट हो गया, आपको प्लेटलेट काउंट तो नहीं कम हो गया। तो बिकॉज इस चीज का पूरा इलाज है, और अब अगर विट सिंड्रोम को हमने ठीक नहीं किया तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, एंड इट हैज प्रोड्यूस डेथ इन इंग्लैंड एंड यूरोप आल्सो। तो कोविड के जो क्वेश्चन मैंने आप सबको बोला था कि मुझे भेज दीजिए जो आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कोविड के, तो जो जो क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछे हैं उससे मैंने आंसर्स बनाए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि लोग कहते हैं कि सर कोविड इलनेस के बाद, वैक्सीनेशन के बाद हमें कोरोना हो रहा है, ये क्या मतलब है, वैक्सीन का फायदा क्या अगर वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, वैक्सीनेशन के बाद भी आपको कोरोना, इवन 2 डोसेस के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है, पर वो जो कोरोना होगा वो माइल्ड कोरोना होगा। वैक्सीन आपको 100% डेथ फॉर सीरियस डिजीज से बचा रही है, बट यू कैन स्टिल हैव ए माइल्ड कोरोना, तो इसलिए वैक्सीनेशन इज मस्ट। नेक्स्ट मुझे किसने क्वेश्चन पूछा, सर इसके एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है अगर आपको पहली डोज से एलर्जी हो गई, आपने पहला डोज लगाया उससे आपको एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हुआ, तो फिर दूसरा डोज मत लीजिए, या दूसरा डोज लेना है तो उसका एक मेथड है, वो मेथड हम कभी भी डिस्कस कर सकते हैं पर्सनली, कैसे हम बेसिकली धीरे धीरे ग्रेडेड फिर हम इंजेक्शन लगाते हैं। दूसरा, यहाँ आपको वैक्सीन में कुछ ऐसा कोई इंग्रेडिएंट है
जिससे आपको एलर्जी हो, क्योंकि वैक्सीन में एक इंग्रेडिएंट भी होते हैं, एलिस्टिडिन हो गया, पॉलीसॉर्बेट हो गया, जिससे कई लोगों को एलर्जी होती है। तो अगर आपको इन चीजों से एलर्जी है, आपको फर्स्ट डोज वैक्सीन के बाद एलर्जी हुई है, तो सेकंड डोज मत लीजिए। अगर आपको उसी वैक्सीन किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो वो आप मत लीजिए। वो इंग्रेडिएंट जो है मैंने बता दिया, मैंने आपको पॉलीसॉर्बेट एलिस्टिडिन है, और आप गूगल पे और भी चेक कर सकते हैं, इसके साथ और भी दो तीन इंग्रेडिएंट्स है, आप उसमें चेक कीजिए कि आपको इससे एलर्जी तो नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा था सर कि मुझे सल्फा से एलर्जी है या मुझे ब्रोंकल एस्थमा है, दमे की शिकायत है, तो मैं क्या करूं, तो मैं इंजेक्शन लगवाऊं या ना लगाऊं? बिल्कुल, चाहे आपको ब्रोंकल एस्थमा है, चाहे आपको किसी ड्रग से एलर्जी है, तो इवन इन पेशेंट्स को भी हमने वैक्सीनेट करना ही करना है। हाँ, इनमें हम आप सब पेशेंट्स को एक दिन पहले बोल दीजिए कि आप मोंटेलिसी ले लें, मास्टर स्टेबलाइजर है, H1 ब्रोकर ले लें, H2 ब्रोकर ले लें, मतलब मोंटेर एलसी के साथ रेंडिडिन ले लें, जो दो तीन दिन लगातार चलती रहे, तो ये पेशेंट्स को इंजेक्शन लगाना है। फिर नेक्स्ट कि सर हम ब्लड थिनर खा रहे हैं, हम इकोस्पिन खा रहे हैं, क्लोपिडोग्रेल खा रहे हैं, तो हम वैक्सीन लगवा सकते हैं नहीं लगवा सकते? बिल्कुल, आप लोगों को वैक्सीन लगवानी ही चाहिए, और अगर आप एंटीबायोटिक्स खा रहे हो तो देर इज नो प्रॉब्लम, कोई टेस्ट की जरूरत भी नहीं है। अगर पर आप वारफिन खा रहे हो या एसीट्रोम खा रहे हो विच आर एंटीकोगुलेंट, तो आप आईनर टेस्ट कराइए। अगर आपका आईनर लेस देन 3 है तो आप इंजेक्शन लगवाइए, अगर आपका आईनर 3 से ज्यादा है तो फिर आप पहले आईनर को थोड़ा कम कीजिए, अपना थेरेप्टिक रेंज में लेके आइए, फिर उसके बाद इंजेक्शन लगाइए। तीसरा है, आजकल नए एंटीकोगुलेंट चले हैं जैसे रिब्रोक्साबैन, अपिक्साबैन, डेबिगेट्रिन, जो लोग ये भी खा रहे हैं वो भी इंजेक्शन लगा सकते हैं, बट एक काम करिए, जो इंजेक्शन लगाना है वो अपनी शेड्यूल डोज से 1 घंटा पहले लगा लें। तो अगला क्वेश्चन आता है सर, हम इम्यूनो कम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स में वैक्सीन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं जो ओल्डर एज हो, साथ में शुगर हो, कोई कैंसर का पेशेंट हो, कोई कीमोथेरेपी जिसको चल रही है, जिसको ब्लड कैंसर है, या जिसको कोई किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है, या कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है, जो कोई स्टीरोइड्स खा रहा है, ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं, इनको हम दे सकते हैं नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, इन लोगों को देना ही देना है, बिकॉज दे आर वीक इंडिविजुअल, इनको दे के बचाना है हमने। पर ये याद रखना है कि हो सकता है इनमें इम्यून रिस्पॉन्स इतना अच्छा ना हो, इनका इम्यून रिस्पॉन्स ब्लंट हो। तो अब इनमें कौन सी वैक्सीन देनी चाहिए? तो अगर हम ट्रेडिशनली देख के चले, अगर हम पहले देख के चले, हमारी जो किताबों में लिखा हुआ है कि इन लोगों को किल्ड वैक्सीन प्रेफर करनी चाहिए एज कम्पेयर टू लाइव एक्टिविटी वायरस, मतलब इन लोगों में कोवैक्सीन शुड बी प्रेफर्ड ओवर द कोविशील्ड। बट मैंने आपको बताया कि कोविशील्ड जो है, इन जो चाहे लाइव एक्टिविटी वैक्सीन है, इन्होंने इसके वायरस को भी इस तरह से चेंज कर दिया ताकि अंदर जाकर रेप्लिकेट ना कर सके। और इंग्लैंड में जितने भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स हैं, सबको ये कोविशील्ड इज गिवन अलॉन्ग विद एमआरएनए वैक्सीन। तो कहने का मतलब, बोथ आर रिकमेंडेड, बट माय पर्सनल प्रेफरेंस विल बी कोवैक्सीन इन दिस पेशेंट। तो अगला क्वेश्चन आता है कि जो पेशेंट्स हैं जिनको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, ये मुझे सबने मैसेज करके बोला हुआ है, ये जो क्वेश्चन था हमारे, जिनको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, SLE है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, क्या हमें भी वैक्सीनेशन करानी चाहिए? बिल्कुल करवानी चाहिए, आप लोगों को भी करवानी चाहिए, और दोनों तरह की आप वैक्सीन यूज कर सकते हैं। हाँ, ये सोच के चलना है कि देयर इज सम चांस, शायद चांस बहुत कम है कि आपकी थोड़ी देर के लिए आपकी जो अंडरलाइंग ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है वर्सन हो सकता है। मेरे पास एक दो पेशेंट्स हैं जिनका रूमेटॉइड आर्थराइटिस या क्रोन्स डिजीज या और बीमारियां थोड़ी कुछ देर के लिए वर्सन हुई आफ्टर द इंजेक्शन। हाँ, अब ये है कि क्योंकि ये जो पेशेंट्स होते हैं, ये मोस्टली जिसे पेशेंट्स आ रहे हैं इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी, कुछ ऐसी दवाइयाँ चलती होती हैं कि वो फिर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इन दवाइयों के साथ वैक्सीनेट करवा सकते हैं नहीं करवा सकते? देखो, अगर तो आपको आप पेशेंट एजाथियोपिन चल रहा है, माइकोपिन मोफिडिल पे चल रहा है, मिथोट्रेक्सेट चल रहा है, या MS के पेशेंट टेरिफ्लुनाबाइड पे चल रहे हैं, तो आप वैक्सीनेट कर सकते हैं। अगर आपका पेशेंट जो है रिटुक्सिमैब पे चल रहा है, तो आप या तो रिटुक्सिमैब के 2 महीने बाद ही इंजेक्शन लगवाएं, वैक्सीनेशन करवाएं, या रिटुक्सिमैब की डोज को 1 महीना डिले करें। अगर कोई नया पेशेंट है जिसको नई दवाई स्टार्ट करनी है हमने, तो बेस्ट फिर उसके लिए यही है कि उसको बोलो, अपने डॉक्टर को बोलो कि मेरे जो आपने अम्यूनो सप्रेसन यूज करने हैं, आप मुझे 15 दिन बाद स्टार्ट करें। तो टेक होम मैसेजेस क्या है हमारे जो लास्ट स्लाइड्स है,
वैक्सीनेशन इज द नीड ऑफ आवर। वैक्सीनेशन के बगैर आपकी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो सकती, वैक्सीनेशन के बाद बगैर ये पेंडेमिक खत्म नहीं हो सकता। तो वैक्सीनेशन बिना डरे हुए वैक्सीनेशन लगवाएं, हाँ कुछ प्रिकॉशन जरूर लें, वो लेने ही चाहिए। दूसरा है, हर 18 साल के बाद हर लोगों को वैक्सीन की जरूरत है। तो नया स्ट्रेन है, मैंने बताया यूके का स्पेशल जो स्ट्रेन है वो तो स्पेशली यंग इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व कर रहा है, तो 18 साल के बाद हर मरीज को लेनी चाहिए। जो बेनिफिट्स हैं दे आर मच 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 मोर देन द रिस्क। बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत कम है, तो वैक्सीन से डरिए मत। ज्यादातर साइड इफेक्ट जो है बहुत माइल्ड है। हाँ मैंने बताया कुछ अनफॉर्चुनेट पीपल को, जैसे एक बड़े कम लोगों को, 200-300 लोगों को दुनिया में हमें कितनी वैक्सीन लगा चुकी हैं, उसमें से उनको बिट सिंड्रोम हुआ है, स्पेशली यंग फीमेल्स, तो उनको हमें बताना है इन फीमेल्स को कि इन चीज़ों के लिए आप ये चीज़ हो सकती है, आपने ये सिम्टम्स आए तो फटाफट हमें रिपोर्ट करनी है। जैसे स्पेशली सीन बिट सिंड्रोम आपका था कोविशील्ड वैक्सीन, और इवन आपका था जॉनसन एंड जॉनसन जो अमेरिका में जॉनसन जॉनसन उसके बाद भी ये आया है। तो यहाँ उनको हम बोलिए कि ये क्लोट्स आ रहे हैं, हो सकता है कुछ देर के लिए हम उनको इकोस्पिन दें, बट अगेन दिस आर नॉट गाइडलाइंस। अगर आपके शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो मेक श्योर कि आप उसको कंट्रोल करें, बीपी की दवा खा के जाएं बिफोर वैक्सीन, उसके बगैर मत जाएं। अगर आप खून पतले गोली खा रहे हैं उसको बंद मत कीजिए। दोनों ही मेडिसिन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में दे सकते हैं, ओल्डर पेशेंट दे सकते हैं, बट माई पर्सनल प्रेफरेंस विल बी कोवैक्सीन इन दीज पेशेंट्स। एंड जहां भी जाते हो वैक्सीन लगवाने, चेक करें कि वहां अगर आपको एनाफिलैक्सिस होता है जो कि बहुत ज्यादा रेयर है, तो आपके वहां पे वह उस चीज का कंट्रोल करें, कंट्रोल करने की फैसिलिटी हो वहां। और इवन आफ्टर वैक्सीनेशन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन के बाद कॉम्प्लेसेंट मत हो जाएं, क्योंकि वैक्सीन के बाद एंटीबॉडीज बनने को कई लोगों को 8-8 हफ्ते लग रहे हैं, वैसे 14 दिनों बाद बननी स्टार्ट हो जाती है, और दूसरी वैक्सीन के 2 हफ्ते बाद काफी ज्यादा बन जाती है, पर इट इज वेरी वेरिएबल। तो इवन आफ्टर आपकी एंटीबॉडीज बन भी गई हैं, फिर भी आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि क्या पता आपकी एंटीबॉडीज जो बनी है न्यूट्रलाइज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्या पता कल को ऐसा स्ट्रेन आ जाए जो आपको न्यूट्रलाइज कर सके। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं छोड़ना। फाइनली आज की डेट में वैक्सीनेशन जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि कौन सी वैक्सीनेशन लगानी है। अगर आपके पास कोई भी वैक्सीन की चॉइस है, गो फॉर इट, बिकॉज बेनिफिट्स आर मच 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 मोर देन द रिस्क। हाँ अगर आपके पास चॉइस है तो आप फिर अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं, वो सब उससे भी ज्यादा जरूरी है। आप वैक्सीन से पहले थोड़े प्रिकॉशंस लीजिए जो मैंने आपको बताए हैं, और अपनी मेडिसिन को बंद मत कीजिए, स्पेशली एंटीप्रेटर्स, खून पतली मेडिसिन बंद मत कीजिए।